साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या क्रिएटर्स पे। आज अपने विद्या क्रिएटर्स की क्लास में हम ये देखेंगे कि 2015 में जो आपका UPSC का एग्ज़ाम हुआ था उसमें साइंस सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको धीरे धीरे पढ़ने के साथ साथ हमारे होलिस्टिक अप्रोच पे फुल्ली डेवलपमेंट हो जाएगा ताकि हम कोई भी एग्ज़ाम इस तरह का है उसमें आराम से मैक्सिमम नंबर हम गेन कर सकें। पहली बात। दूसरी बात, ये जो पेपर हुआ था 2015 वाला UPSC का, ये पेपर लीक हो गया था जिसका री एग्ज़ाम हुआ था, जिसका पेपर आपने पहले ही चैनल पे देख लिया होगा। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप 2015 का जो पेपर है ये लीक हो चुका था, बट फिर भी इसमें से 21 से 22 क्वेश्चन साइंस सेक्शन से आए थे, उन सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ब्लैक होल की जानकारी किसने सर्वप्रथम दी थी। ठीक है, कि जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल की जानकारी हमें सर्वप्रथम किसने दी थी। ठीक है, ब्लैक होल की जानकारी हमें सर्वप्रथम किसने दी थी, हमें इसका आंसर देना है। पहली बात तो ये कि ब्लैक होल होता क्या है, तो आपको पता होगा जो ब्लैक होल है ये एक आकाश में या ब्रह्मांड में एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी भी चीज़ को अपनी गुरुत्वाकर्षण पावर के चलते किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, भले वो प्रकाश हो, कोई पिंड हो, कोई तारा हो, किसी भी चीज़ को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है, उसी को हम ब्लैक होल कहते हैं। और ब्लैक होल के बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी थी वो दी थी आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब ने। किसने दी थी? आपके सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब ने, जो कि आपके एक भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है थे, मतलब। ठीक है, किस मूल के? भारतीय मूल के, इनका नाम मत देखिएगा आप। ठीक है, भारतीय मूल के, केवल इंडियन ओरिजिन के हैं, अमेरिकी वैज्ञानिक है, ये अमेरिका की नागरिकता ले ली होगी। ठीक है, ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है जिन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्या बोलते हैं हम? चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, अपना चंद्रशेखर सीमा का सिद्धांत दिया था जिसके आधार पे उन्होंने ब्लैक होल के बारे में बताया था, जिसके लिए इन्हें भी भौतिकी का नोबेल मिला था, आई थिंक 1983 मिला था। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। तो याद रखिएगा कि ब्लैक होल के बारे में किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया है, तो आप क्या बोलेंगे? आप सुब्रमण्यम चंद्रशेखर साहब ने, जो कि एक भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, देखिए ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और आपके लिए रिस्पॉन्सिबल भी हैं और बहुत ही अच्छे भी रहे। पहला, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग भी कार चलाते होंगे या बाइक चलाते होंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं कि बाइक पे तो साइड में मिरर लगा होता है, कार में मिरर लगा होता है, तो पीछे कौन सी व्हीकल आ रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है, उसको देखने के लिए हम किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? दर्पण अलग होता है, लेंस अलग होता है, हम यहाँ दर्पण की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास ए उत्तल है, उत्तर नहीं होता है, ठीक है, उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी गोली दर्पण। तो याद रखिएगा कि जो उत्तल दर्पण होता है इसका काम ही होता है कि ये बड़ा दिखाता है, क्या करता है, ये छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा दिखाता है। यहाँ से समझ जाइए कि उत्तल दर्पण का काम ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो इसके अंदर छोटा दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि बहुत दूर कार है, तो उत्तल दर्पण का काम है कि उसका एग्जैक्ट फिगर बना देगा, आभासी फिगर बनाएगा और छोटा बनाएगा, तो दूर की भी फिगर हमें आराम से उसमें दिखाई देते हैं। यही एक रीज़न होगा कि जब आपका CCTV कैमरे का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय जो बड़े बड़े स्टोर्स होते थे तो वहाँ पे अपने यहाँ वहाँ एक छोटा सिस्टम का मिरर रखते थे काउंटर के पास देखने के लिए, जहाँ से देखते रहते थे वो नेम कहीं लगा देंगे और देखते रहेंगे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, केवल उस मिरर में देखेंगे और समझ जाएंगे वो कि कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो वहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता था। तो याद रखिएगा, कार में या व्हीकल्स में दूर की आती हुई वस्तुओं को देखने के लिए या पीछे क्या आ रहा है उनको देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये वस्तु का जो फिगर होता है, जो उसका इमेज होता है, उसको बहुत ही छोटे फॉर्म में, आभासी फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। हाँ, यहाँ से एक और बात याद रखिएगा कि जो एम्बुलेंस होती हैं, एम्बुलेंस में आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस हमेशा उल्टा लिखा रहता है। उल्टा इसलिए लिखा रहता है ताकि अगर कोई इंसान अपनी, जैसे मान ली मैं बाइक चलती, मैं कार हूँ, ठीक है, एक मिरर इधर एक मिरर इधर है, ठीक है, तो हुआ क्या कि पीछे मैं यहीं तो इसी मिरर में देखूंगा मैं कि पीछे कौन सी व्हीकल आ रही है, तो अगर एम्बुलेंस पे अगर उल्टा लिखा रहता है तो मेरे में बिल्कुल सीधा दिखाई देगा कि भैया एम्बुलेंस आ रही है, मुझे रास्ता देना है। यही एक रीज़न होता है कि एम्बुलेंस हमेशा उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि जो भी ड्राइवर होता है वो उत्तल लेंस का उपयोग करेगा, सॉरी
उत्तल दर्पण का उपयोग करेगा और उत्तल दर्पण में उल्टा दिखाई देता है, यही एक रीजन है कैंसर का। ठीक, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2016 में भी रिपीट हुआ था। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब हैं, जो कि एक जर्मन मूल के आपके अमेरिकी वैज्ञानिक थे, तो उन्हें किस काम के लिए आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो पहली बात तो याद रखिएगा, इनको जो नोबेल दिया गया था, जो आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये दिया गया था आपका 1921 में। कब दिया गया था आपको? 1921 में, भौतिकी के क्षेत्र में। और अगर आप मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए आपका? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब को आपका नोबेल दिया गया था भौतिकी का। आप ये सापेक्षता सिद्धांत E=mc² मत देख लीजिएगा, इसके लिए नहीं याद दिया गया था। दिया किसके लिए गया है आपका? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। और भी बात याद रखिएगा, आपको पता होगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का IQ बहुत ज़्यादा था, इसलिए इन्हें अब तक का सबसे महान वैज्ञानिक कहा भी जाता है। इनका ब्रेन वाकई बहुत ब्रिलियंट था। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, नोबेल पुरस्कार कौन सा दे देता है? तो आपको पता होगा स्वीडिश अकादमी देती है। और नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो डायनामाइट के आविष्कारक थे आपके अल्फ्रेड नोबेल साहब। कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल साहब। उन्होंने जब डायनामाइट का आविष्कार किया था, जिसमें आप बम उड़ाते हैं, मतलब बिल्डिंग उड़ाते हैं, बम ही किस डायनामाइट को समझ जाइए, तो उन्होंने जब डायनामाइट का आविष्कार किया था तो बहुत हैप्पी थे कि इस डायनामाइट के उपयोग से होगा ये कि भाई अच्छे अच्छे काम होंगे, जैसे बड़े बड़े पर्वत उनको तोड़ के रास्ते बन जाएंगे, कोई भूमि आपके समतल नहीं है वहाँ डायनामाइट छुड़ा के समतल कर लेंगे, कहीं ओर की माइनिंग करनी है वहाँ पे कर लेंगे। तो उन्होंने तो जो डायनामाइट की खोज की थी बहुत ही अच्छे पर्पज़ से की थी, बट इसका उपयोग क्या हुआ? बिल्डिंग्स को उड़ाने में, मतलब आतंक भी यूज़ किया, ज़्यादा हो गया, इसके अच्छे काम ज़्यादा, बुरे काम ज़्यादा किए जाने लगे। इसीलिए उन्होंने जो अपनी विल बनाई थी, अपनी जो वसीयत बनाई थी अल्फ्रेड नोबेल साहब ने, तो उन्होंने ये कहा था कि भैया मेरे इतने इतने पैसे हैं, इतने करोड़ों पैसे हैं, तो इससे जो अच्छे काम जो भी लोग करेंगे, स्टार्टिंग में विज्ञान से हुआ, फिर उसमें मेडिसिन जोड़ा गया, फिर शांति जोड़ी गई, जो लोग भी अच्छे काम करेंगे उनको इसके ब्याज से, उन जो रकम जमा की, बहुत अमीर व्यक्ति थे, इसके रकम से कुछ पुरस्कार दिए जाए, तो वही आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, या जो प्रेशर कुकर होता है उसमें भोजन जल्दी क्यों पक जाता है? आपके घर भी प्रेशर कुकर है, मेरे घर भी, लगभग सबके हैं, बट रीज़न क्या है कि प्रेशर कुकर में जो भोजन होता है वो बहुत जल्दी बन जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि प्रेशर कुकर में वो ऐसा प्रेशर क्रिएट करता है कि जो टेम्परेचर होगा, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर आपका कम होगा। ठीक वाइस वर्सा चलता है, जब आपका प्रेशर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा? कम हो जाएगा, या टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है। ऐसे सपोज करिए, ये और चीज़ें समझते हैं इसको। देखिए प्रेशर कुकर में होता क्या है कि जब आप प्रेशर कुकर में भोजन बनाते हैं, मान ली हमारा प्रेशर कुकर है, ये काम चलाऊ वाला, ठीक है, ये प्रेशर कुकर है हमारा, ठीक है, तो ये सीटी मेरे कुकर की, ठीक है, तो प्रेशर कुकर में जब खाना बनाते हैं तो चूंकि इससे प्रेशर ज़्यादा होगा, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो जो पानी हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना चाहिए, किस पे बॉयल होना चाहिए हमारा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना चाहिए, वो अबाउट 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, करीब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा। तो जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा तो उससे पहले ही जो उसके अंदर जो सब्सटेंस रखे हैं वो तो जल्दी पक जाएंगे ना, क्योंकि आलू को थोड़ी ना पता है कि मुझे इतना ज़्यादा चाहिए, वो तो कम पे ही हो जाएगा क्योंकि प्रेशर भी ज़्यादा है। तो यही एक रीज़न है कि हाँ, देखिए जो जल का क्वथनांक, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जल का क्वथनांक होगा, जो कि 100 डिग्री होना चाहिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड जब जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा, तो यही एक रीज़न है कि खाना आपका प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाता है। ठीक उल्टा कर लीजिए, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहाँ पर खाना पकने में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है? क्योंकि पहाड़ों पर जब ऊपर ऊंचाई पर आप जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर या वायुमंडलीय दाब कम होता है, जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो आपका जो पानी जो 100 डिग्री बॉयल होना चाहिए वो और कम पे होगा। तो यही एक रीज़न है कि वहाँ पर खाना पकने में भी वहाँ पर भी टाइम लगता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर
कितने प्रतिबिंब बनेंगे। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भैया दो समांतर दर्पण ले लें, एक दर्पण यहाँ हो गया, एक यहाँ समांतर दर्पण हो गया, इनके बीच में मान ली मैंने कैंडल जला दिया, ठीक है। अब ये पूछा जाए आपसे कि इसके कितने इमेज बनेंगे, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे, हमें ये बताना है इसके कितने मिरर इमेज बनेंगे। ऑप्शन हमारे पास है दो, ऑप्शन बी है चार, ऑप्शन सी है आठ और ऑप्शन डी है अनंत। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्यों अनंत होगा, आइए समझते हैं। अनंत इसलिए होगा, जैसे मान लीजिए कि यह हमने कैंडल यहाँ रखा, इधर भी मिरर, इधर भी मिरर, तो भाई जब इसका इमेज यहाँ बनेगा तो इस मिरर का इमेज यहाँ बनेगा और ये वैसे वर्षा अनंत पता नहीं कितने टाइम बनेगा, यू कांट इमेजिन। तो यही एक रीज़न है कि अगर दो समतल दर्पण हैं उनके बीच में अगर कोई वस्तु रख देते हैं तो उसका जो इमेज होगा, उसका जो प्रतिबिंब होगा वो अनंत बार बनेगा, यू कांट इमेजिन, ठीक है। आइए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से एक और बात याद रखिएगा कि बोला जाता है कि एक समतल दर्पण में आपका पूर्ण इमेज देखने के लिए आपकी मतलब एक आपकी हाइट अगर 6 फीट है, सपोज़ करिए आपकी हाइट जो है वो 8 फीट है, किसी इंसान की या किसी वस्तु की हाइट 8 फीट है, तो इसका पूर्ण अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी हाइट का, ये 8 फीट हो गया, कितनी हाइट का उसको एक समतल दर्पण चाहिए। तो जो भी हाइट उसका ठीक हाफ कर दिया करिए, तो क्या बोलेंगे हम, 4 फीट का चाहिए। अगर किसी की हाइट 6 फीट है तो उसे 3 फीट का एक समतल दर्पण चाहिए अपना पूर्ण इमेज देखने के लिए। आइए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोल रहा है हरित क्रांति संबंधित है, जो आपकी हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है, ए मोटे अनाज के उत्पादन से, बी दलहन के उत्पादन से, सी गेहूं के उत्पादन से और आपका डी है तिलहन के उत्पादन से। तो आपको पता होगा जो हरित क्रांति है, थोड़ा इसका ब्रीफ देख लेते हैं, जो हरित क्रांति है इसकी जो सबसे पहले खोज की थी वो की थी आपके एक मैक्सिको मूल के एक अमेरिकी वैज्ञानिक है नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग ये आपके अमेरिकी एक साइंटिस्ट है, मैक्सिको मूल के अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्हें सबसे पहले हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने संकरण करके ऐसे ऐसी किस्में निकाली जिनमें कम पानी में कम उर्वरक में मैक्सिमम प्रोडक्शन होता था। तो जब पूरे वर्ल्ड में पूछे कि पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे आप, नॉर्मन बोरलॉग साहब को। और यही एक रीज़न है कि नॉर्मन बोरलॉग साहब को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बट इन्हें विज्ञान का नहीं दिया गया था, इन्हें शांति का दिया गया था। किसका, शांति का, याद रखिएगा इन्हें किसका पुरस्कार दिया गया आपका, शांति का नोबेल। ये भी पीसीएस का ही क्वेश्चन है कि नॉर्मन बोरलॉग साहब को किस क्षेत्र में आपका नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो क्या बोलेंगे आप, शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ना कि विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो अब आते हैं भारत के एस्पेक्ट में देखते हैं। जब आप भारत के एस्पेक्ट में देखते हैं तो हमारे एक अभी हाल ही में उनका निधन हुआ है, शायद इसी साल हुआ है, करंट का क्वेश्चन था ये कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, MS स्वामीनाथन कहे जाते हैं, जो लगभग 1965-66 के बीच में इन्होंने बोरलॉग साहब से प्रभावित होकर बहुत अच्छे अच्छे काम किए, ठीक है, जिसके चलते जो गेहूं की फसल थी उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन देखा गया, फिर कुछ कुछ चावल की किस्मों को भी देखा गया, बट जो सबसे अच्छा उपयोग देखा गया वो गेहूं की फसलों को देखा गया। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आपको याद होगा। पहली बात तो ये कि पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे नॉर्मन बोरलॉग साहब को। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि नॉर्मन बोरलॉग साहब को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो आप बोलेंगे शांति के क्षेत्र में। थर्ड क्वेश्चन आते हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे MS स्वामीनाथन साहब को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति से सबसे अधिक फायदा किस फसल को हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, सर सबसे अधिक फायदा जो है वो गेहूँ की फसल को हुआ है, और अगर राज्य पूछे तो फिर पंजाब हरियाणा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, ठीक है, अगर हमें ट्रांजिस्टर बनाना हो, ठीक है, तो सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है। तो देखिए बच्चों के लैंग्वेज में भाई सबसे अच्छा पदार्थ तो वो होगा ना
जो कम इलेक्ट्रिसिटी ले और प्रोडक्शन हमें ज़्यादा दे। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें यूज़ करना होगा सेमीकंडक्टर्स। तो देख लेते हैं सेमीकंडक्टर क्या है। ए एल्युमिनियम, बी सिलिकॉन, सी तांबा और डी चांदी। चांदी का सपोज कर चांदी अगर यूज़ करना स्टार्ट कर दिए तो ट्रांजिस्टर तो करोड़ों में लाखों में चला जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब इन तीनों में देखिए जो सिलिकॉन होता है दो ही तीन है, एक आपका सिलिकॉन है फिर एक जर्मेनियम है। कौन सा आपका है, सिलिकॉन हो गया जर्मेनियम हो गया। इनका उपयोग हम अर्धचालक किसके फॉर्म में, सेमीकंडक्टर। इनका उपयोग हम सेमीकंडक्टर, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक के रूप में हम इनका उपयोग हम करते हैं। तो कह रहा है कि ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सबसे उपयुक्त एलिमेंट या सबसे उपयुक्त धातु या पदार्थ कौन सा है, तो क्या बोलेंगे आप, सिलिकॉन। यही एक रीज़न है कि जो भी आपकी कंप्यूटर इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री है या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, उसका हब है ये सिलिकॉन। ठीक है, और आपने देखा होगा बैंगलोर को हम क्या कहते हैं, इंडिया का सिलिकॉन वैली, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें ये बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताना हमें। ठीक है, ऑप्शंस देख लेंगे हम। ए ऊन एक प्रोटीन है, बिल्कुल सही बात, ऊन एक प्रोटीन है, मैं समझाऊंगा कैसे। ऑप्शन बी रेयॉन रूपांतरित स्टार्च, नहीं रेयॉन जो रूपांतरित स्टार्च नहीं होता है, ये रूपांतरित सेलुलोज होता है, ये गलत है। ऑप्शन सी रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, बिल्कुल सही बात है, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है, क्योंकि आपको पता होगा जो प्राकृतिक रबर होता है वो एक पेड़ की छाल से होता, क्या है कि इंडिया में केरला वगैरह में ज़्यादा है, लंबे लंबे पेड़ होते हैं, इसमें ऐसे छोटे छोटे निशान बनाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो दूध निकलता है उसको छोटे छोटे नारियल के टुकड़े या कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं कटोरे टाइप के, उसमें उस दूध को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसी को फिर बॉयल करके अलग अलग चेंजेस करके उसकी फिर प्राकृतिक नारियल, प्राकृतिक जो है वो बनाया जाता है, रबड़, रबड़ की बात करूँ, सॉरी अगर मैं नारियल बोल दिया हो, तो रबड़ का पेड़ से आपका रबड़ बनता है। तो हाँ सही बात है, रबड़ क्या है, प्राकृतिक बहुलक है, ये तो सही है हमारा, ये भी सही है। डी देख लेते हैं, फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, बिल्कुल सही बात है, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन या कुछ जगह पर आप बकमिश्र फ्लोरीन की बात करते हैं, वो एक कार्बन का अपरूप होता है, ये भी सही है। कैसे सही है, आइए इसको समझते हैं। पहली बात है ऊन एक प्रोटीन है, ऊन कैसे प्रोटीन है इसको आप समझेंगे। देखिए जो ऊन होता है मेनली वो किससे बनता है, या तो भेड़ के खाल से बनेगा, मतलब भेड़ के बाल से, या बकरी के या खरगोश के, ये जानवरों के बाल से बन रहा है, और जानवरों के बाल क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे भी जो बाल हैं वो क्या प्रोटीन है, हमारे नाखून क्या है प्रोटीन है, जानवरों के खुर क्या है प्रोटीन है, तो ये सारे प्रोटीन है। इसी तरह बाल जब प्रोटीन है तो उससे बनने वाला ऊन भी क्या होगा, प्रोटीन होगा। तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही है। ठीक है, जो रेयॉन है ये स्टार से नहीं सेलुलोज का बना होता है, तो ऑप्शन हमारा बी गलत है। रबर मैंने समझा दिया है कि रबर एक प्राकृतिक बहुलक होता है, क्यों प्राकृतिक बहुलक होता है, क्योंकि इसको कैसे बनाया जाता है, प्लांट का दूध निकाल के उससे बनाया जाता है। ठीक है, रबर का प्लांट होता है उसके दूध से मिलकर बनाया जाता है। ठीक है, डी कह रहा है फ्लोरीन एक कार्बन का अपरूप है, ये बिल्कुल सही है। भाई इसको थोड़ा समझते हैं, देखिए जो कार्बन होता है, कार्बन के तीन अपरूप फेमस हैं, कितने अपरूप, तीन, एक होता है हमारा डायमंड, एक होता है आपका ग्रेफाइट और एक होता है हमारा फ्लोरीन, हिंदी में लिख दे रहा हूँ फ्लोरीन, जिसको हम बॉकी बॉल भी कहते हैं। इन सबका सिंबल पूछे, सबका सिंबल सी ही होगा, इसका भी सी, इसका भी सी, इसका भी सी। ठीक है, तो फ्लोरीन क्या हो गया, फ्लोरीन जो है वो कार्बन का क्या है, एक अपर रूप है। ठीक है, हाँ डायमंड याद रखिएगा, डायमंड जो है इस यूनिवर्स का सबसे टफेस्ट सब्सटेंस है, डायमंड होता है। ठीक है, जो डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, कुचालक होता है, मतलब विद्युत का क्या होता है, ये कुचालक होता है। बट जो आपका ग्रेफाइट होता है ये आपका विद्युत का सुचालक होता है, यही एक रीज़न होता है कि जो आपके सेल में जो रॉड बनती है ग्रेफाइट की पड़ती है, पेंसिल में भी जो है वो भी आपके ग्रेफाइट की रॉड पड़ती है, तो ये हमारा क्या उष्मा का और विद्युत दोनों का ही क्या है, सुचालक है। ठीक है, आइए अब हम देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और फ्लोरीन मैंने बता दिया, फ्लोरीन एक टफ सब्सटेंस है जिसका उपयोग हम बहुत से सब्सटेंस को बनाने में हम करते हैं। आइए बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, जो आपका जो मैंने बताया है कि जो आपका ग्रेफाइट होता है, जो आपकी मशीनरीज होती हैं, जो हैवी मशीनरीज होती हैं, उसमें एज अ लुब्रिकेंट हम ग्रेफाइट के पाउडर का यूज़ करते हैं। किसके पाउडर का हम यूज़ करते हैं? जिस तरह हम गाड़ियों में यूज़ क्या करते हैं, मोबिल का यूज़ करते हैं, इसलिए तो जो हैवी मशीनरीज होती है उसमें हम ग्रेफाइट के पाउडर का यूज़ करते हैं एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट कहने का मतलब स्नेहक से है। जैसे मान लीजिए कैरम बोर्ड आप खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड में आप क्या करते हैं, आप करते ही हैं कि आप उसमें पाउडर डालते हैं ताकि फिसल सके। इसी तरह जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का पाउडर जो होता है वो बहुत सी हैवी मशीनरीज में यूज़ होता है ताकि वो स्नेहक की तरह काम करे, मशीन हमारी ख़राब ना हो और उसकी एफिशिएंसी क्या हो, मैक्सिमम हो। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है CFL का पूर्ण रूप है, जो CFL होता है इसका पूर्ण रूप क्या हो या फुल फॉर्म क्या होता है। अब तो CFL बहुत कम ही आ रहा है, तो LED लाइट का जमाना है, फिर भी देख लेते हैं। ए कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प, सी सेंट्रली फिक्स लैम्प, सी मैकेनिकल फ्लोरिसेंट लैम्प और डी कंडेंस फ्लोरिसेंट लैम्प। तो याद रखिएगा जो CFL होता है, CFL बल्ब जो आते हैं, CFL का फुल फॉर्म ही होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। क्या नाम होता है इसका, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैम्प। यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, जो हमारे नॉर्मल बल्ब होते हैं उनमें पूछा जाता है कि उनमें जो तार होता है वो किस सब्सटेंस का होता है। तो नॉर्मल बल्ब में जो तार होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। अब ये कहेंगे सर टंगस्टन का ही बना क्यों होता है, क्योंकि टंगस्टन एक ऐसा धातु है, एक ऐसा एलिमेंट है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है अबाउट 3500 सेंटीग्रेड से भी ऊपर होता है। सोचिए कितना ज़्यादा। तो यही एक रीज़न होता है कि जो बल्ब होते हैं, बल्ब में आपका टंगस्टन का बार यूज़ किया जाता है। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, जो हीटर के कॉइल्स होते हैं, घरों में हीटर लगता है, हीटर के जो कॉइल्स होते हैं उसमें किस एलिमेंट का यूज़ होता है या किस सब्सटेंस का यूज़ होता है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, नाइक्रोम। क्या बोलेंगे आप, नाइक्रोम। आपसे कोई पूछे कि हीटर के कॉइल में किस एलिमेंट का यूज़ होता है, क्या बोलेंगे आप, नाइक्रोम। नाइक्रोम का मतलब निकल और क्रोमियम से है, ठीक है, क्योंकि निकल और क्रोमियम को मिलाने के बाद जो नाइक्रोम बनता है उसकी भी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए उसका भी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। आइए देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है, मतलब ये जो आप देख रहे हैं जो केमिकल सब्सटेंस है इसमें से किसका उपयोग हम कार की बैटरियों में कर सकते हैं। आपको पता होगा कार की बैटरी क्या करती है, वो जैसे हम चार्ज हो जाती है, या घरों में जो बैटरी है कार की बैटरी से लेते हैं तो वो धीरे धीरे चार्ज हो जाती है, उसमें चार्ज बना रहता है, फिर बाद में उसका उपयोग करते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं मिलियम। ऑप्शन देख लेते हैं, ए सोडियम सल्फेट, बी नाइट्रिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड और डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो कार की बैटरीज होती है उनमें मिलनी हम सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, H2SO4, और जो कि क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। यही एक रीज़न है कि कार की बैटरी में इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा, एसिड से याद आ गया कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे कि कार की बैटरी में किसका उपयोग करते हैं हम, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग करते हैं, वो भी कौन सा, कंसेंट्रेटेड। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है CNG है, मतलब CNG क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ऑप्शन बी साइनोजन नेचुरल गैस, ऑप्शन सी कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस और ऑप्शन डी पोटेशियम नाइट्रेट। तो याद रखिएगा जो CNG होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्प्रेक्स नेचुरल गैस। क्या नाम होता है इसका, कॉम्प्रेक्स नेचुरल गैस। लिख देते हैं CNG का, कॉम्प्रेस नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। अब आपसे कोई बोले कि सर जो CNG गैस होती है इसका मुख्य घटक क्या होता है, तो आप बोलेंगे CNG का मुख्य घटक भी क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब निम्नलिखित बहुलकों में, मतलब पॉलीमर्स में, किसका उपयोग ना चिपकने वाली कढ़ाई के निर्माण में किया जाता है। आपको पता होगा हमारे घरों में आजकल नॉनस्टिक बर्तन यूज़ होते हैं, नॉनस्टिक कढ़ाई आती है, नॉनस्टिक तवा आते हैं,
नॉनस्टिक पता नहीं क्या क्या आता है, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि जो नॉनस्टिक बर्तन है उसमें ऐसी किस सब्सटेंस की कोटिंग होती है कि वो उस पर तेल या और चीज़ चिपकती नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें हमको ऑप्शंस में बताना है, ए टेफ्लॉन का, बी नियोप्रीन का, सी पीवीसी का और डी गट्टा पर्चा का। तो याद रखिएगा कि जो आपका कढ़ाई होती है या तवा होता है नॉनस्टिक, उस पर हम टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है? टेफ्लॉन की कोटिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरा पॉलीटेट्रा फ्लोरिसेंट एथिलीन, ठीक है, पीटीई बोलते हैं। इसका काम ही है कि जो भी सब्सटेंस जिस पे भी आपका ये टेफ्लॉन की कोटिंग हो जाएगी उस पर तेल या किसी टाइप का खाना बनाएगी वो चिपकेगा नहीं, तो नॉनस्टिक होता है, ठीक है। तो किसकी कोटिंग की जाती है? टेफ्लॉन की। एक बात और याद रखिए, जैसे मान लीजिए हमारा तवा हो गया, ये कढ़ाई होगी, सपोज करिए ये कढ़ाई तो हमने बना दी, इस पर हमने कोटिंग कर दी, बट इसका जो हैंडल होता है, बहुत बार ये पूछा है कि इसका जो हैंडल होता है पकड़ने वाला, या मान लीजिए तवा हो गया हमारा, तवा का जो हैंडल होता है, कुकर का जो हैंडल होता है, हैंडल ये वाला, ठीक, तो हैंडल किस सब्सटेंस का मिलकर बना होता है? तो आप बोलेंगे तवे का या कुकर का जो हैंडल होता है वो बैकेलाइट। क्या नाम बोल रहे हैं? बैकेलाइट। एक सब्सटेंस हमारा बैकेलाइट, ये मेनली बैकेलाइट के मिलकर बने होते हैं, क्योंकि जो बैकेलाइट होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है। बैकेलाइट क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है, तो जो भी हीट होती है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो उससे होगा ये कि जो बर्तन है वो तो गर्म रहेगा बट हमारा हाथ नहीं जलेगा। तो ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा कि नॉनस्टिक बर्तनों पे ना चिपकने के लिए क्या मिलाएंगे हम? टेफ्लॉन की कोटिंग करेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो गर्म ना हो, हमारा हाथ ना जले, उसके लिए हम क्या मिलाते हैं, हम मतलब मिलाते नहीं, हम किसका हैंडल बनाते हैं? तो हम हैंडल बनाते हैं किसका? बैकेलाइट का, क्योंकि काला वाला सब्सटेंस आपने देखा ही होगा, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? आपको पता होगा आजकल ज़माना चल रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ खिड़की, बुलेट प्रूफ गाड़ी, बहुत सी बुलेट प्रूफ, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनती है मतलब गाड़ियों के अंदर ही, तो उसको बनाने में किस केमिकल सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है ए पॉलीकार्बोनेट, बी पॉलीयुरेथीन, सी पॉलीस्टीरीन और डी पॉलीएमाइड। तो याद रखिएगा जो बुलेट प्रूफ खिड़की होती है उसको बनाने के लिए हम पॉलीकार्बोनेट का यूज़ करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम? पॉलीकार्बोनेट का उपयोग करते हैं जो कि उस बुलेट प्रूफ खिड़की को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देता है ताकि उस पर बुलेट भी उसका इफेक्ट ना डाल पाए, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि फेरोमेंस सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है, जो फेरोमेंस होते हैं उनको सामान्यतः कैसे उनको उत्पन्न किया जाता है? ए सांपों द्वारा, बी पक्षियों द्वारा, सी चमगादड़ों द्वारा और डी कीटों द्वारा। तो याद रखिएगा जो फेरोमेंस को जो रिलीज़ करने की जो टेंडेंसी है वो कीटों में मिलती है। क्यों कीटों में मिलती है? क्योंकि कीटों को जब आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है या अपने फीमेल पार्टनर को या मेल पार्टनर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है तो उनकी बॉडी से एक स्पेशल टाइप की स्मेल आती है इसको, ठीक है। तो जो किसके चलते आती है? वो फेरोमोन्स के चलते आती है, जिससे उनका जो फीमेल या मेल पार्टनर होगा वो उनकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। तो फेरोमोन्स का कारण है। तो क्या बोलेंगे? फेरोमोन्स को कौन रिलीज़ करता है? तो कीड़े इसको रिलीज़ करते हैं। और यही एक रीज़न है कि इन्हें कीड़ों को टैप करने के लिए बहुत से ऐसे केमिकल सब्सटेंस बना दिए गए हैं जो कि हम कहीं रख देते हैं तो कीड़े सारे अट्रैक्ट हो जाते हैं, इससे हमारी फसलों का नुकसान नहीं होता है। तो बहुत सी टेक्नोलॉजीज का उपयोग हम करते हैं ताकि हमारी कृषि प्रधान देश में हमारी कृषि बची रहे, ठीक है। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? आपको पता होगा जो मानव शरीर है इसमें हीमोग्लोबिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पिगमेंट है। तो बोला जा रहा है हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है। ए कह रहा है ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी जीवाणुओं को नष्ट करना, सी ये रक्त है रक्त अल्पता को रोकना और डी लौह को उपयोगी बनाना। सबका अपना अपना रूल है, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का संचरण करना। ऑक्सीजन का जो परिवहन करने का कार्य है वो आपका हीमोग्लोबिन करता है। कैसे करता है आइए थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा इंसान है, ये
थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि कुछ समझ में आ जाए। ये मान लिया कि इंसान है, ठीक है। चलिए, तो आपको पता होगा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। दो आपके ऊपर लंग्स होती है छोटी छोटी। समझाने का तरीका है भाई, ऐसे लंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। ये लंग्स हो गए, ये इनका 4 चैम्बर्ड हार्ट हो गया, ठीक है। चलिए, नीचे दो किडनी भी होती है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है कि जो हमारे लंग्स का काम क्या है, लंग्स का काम ये है कि लंग्स के अंदर आपकी छोटी छोटी एल्विओली होती है, बहुत से ऑर्गन है, एल्विओली होती है, जो वो साइट है जहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होती है। जब आपकी ऑक्सीजन, कौन सी ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स होगी तो ये बनाती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है हमारा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन से जो हीमोग्लोबिन मिक्सअप होगा वो कहाँ मिक्सअप होगा, हमारे लंग्स में, लंग्स पार्ट में मिक्सअप होगा, हार्ट में जाएगा, हार्ट ब्लड को पंप करेगा, पंप करने के बाद हर एक सेल तक जो ब्लड होगा वो हर एक सेल तक जाएगा, फिर किडनी में कुछ चलेगा, फिर लंग्स में, फिर हार्ट में, फिर लंग्स में जाएगा, ठीक है। तो हर एक सेल तक जो पहुँचाने का काम कौन कर रहा है, ये हीमोग्लोबिन कर रहा है। क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करेगा और एक टेम्प्रेरी सब्सटेंस क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और फिर हर एक सेल तक पहुंचाएगा, कहेगा लो भी अपना ऑक्सीजन और चलाएगा। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, ऑक्सीजन के परिवहन में होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन याद रखिएगा कि अगर हम यहीं पे, अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो, ऑक्सीजन तो यही, यहीं पर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो तो वो जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप करेगा तो वो आपका क्या बनाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो कि बहुत ही हार्मफुल है। इसीलिए बोला जाता है कि सिगरेट का सेवन ना करें या बहुत जो धुएं वाली जगह वहाँ पर ना रहें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि उन जगहों से क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिलीजन होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन से बोल रहा है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्यों। जैसे आप प्याज का छिलका उतारेंगे तो हमें आंसू आते हैं, तो इसका रीज़न ये पूछा जा रहा है कि प्याज के छिलकों को उतारने के बाद आंसू क्यों आते हैं, हमें ये बताना है। ऑप्शन हमारे पास देख लीजिए, ए सल्फोनिक एसिड, बी सल्फेनिक एसिड, सी अमीनो एसिड और डी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सल्फेनिक एसिड। क्या आंसर हमारा हो जाएगा, सल्फेनिक एसिड, क्योंकि जो प्याज होती है, ठीक है, प्याज के अंदर जो तीक्ष्ण गंध होती है वो उसके सल्फर के कंपाउंड के चलते होती है। किस कंपाउंड के चलते होती है, सल्फर के कंपाउंड के चलते होती है, जिसमें कुछ एंजाइम्स भी निकलते हैं जिसके चलते वो सल्फेनिक एसिड बनाता है या सल्फेनिक अम्ल बनाता है, जिसके चलते उसकी तीक्ष्ण गंध होती है वो हमारी आंखों में लगती है और हमारी आंखों से क्या निकलने लगते हैं, आंसू निकलने लगते हैं। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सल्फेनिक अम्ल। क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सल्फेनिक अम्ल। सपोज कर एक और क्वेश्चन हो जिसमें एलिमेंट दे दे कि कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है, सल्फर हो जाए, कार्बन हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए, हाइड्रोजन हो जाए, तो आप सल्फर एलिमेंट देखेंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। चलिए, हमें सूची को मिलाना है, आइए मिला लेते हैं। एक तरफ हमारे विटामिन्स हैं और एक तरफ क्या है, उनसे होने वाले डिजीज़ हैं। देखिए, एक आदमी अगर आता है तब कर लेंगे, आपको पता होगा विटामिन सी की कमी से क्या होता है हमारा, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, जो कि एक मसूड़ों की डिजीज़ होती है, जिससे मसूड़े आपके बिल्कुल गलत टाइप के जाते हैं, ब्लड निकलने का स्कर्वी है। तो सी का फोर मिला लेते हैं, आइए, नहीं सॉरी, आप ए का फोर है, विटामिन सी, ए का फोर मतलब ये, ए का फोर यहाँ पे, ए का फोर यहाँ पे, मतलब दो ऑप्शन हमारे क्या हो गए, आराम से एलिमिनेट हो गए। इन दोनों में देखना है, ठीक है। चलिए, अब आपको पता होगा जो विटामिन ए है, विटामिन ए की अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो आपको क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है। तो क्या मिलाएंगे हम, C का 1। तो C का 1 मतलब कहाँ गया, हमें केवल इन्हीं दोनों ऑप्शन देखना है, तो C का 1, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ थोड़ा और देख लेते हैं, जो फॉलिक एसिड होता है, फॉलिक एसिड की कमी से आपका, जिसको B9 बोलते हैं, विटामिन B9, फॉलिक एसिड की कमी से क्या हो जाएगा हमारा, एनीमिया। रक्तअल्पता को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया। और जो आपका विटामिन B1 है,
जिसको हम क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। तो थायमिन की कमी से क्या हो जाएगा, हमारे बेरी बेरी हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाएगा, बेरी बेरी। तो क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया, आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 हमसे बोल रहा है, निम्न में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण की एवं मजबूती के लिए आवश्यक है। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो दांत हड्डी सबके निर्माण के लिए, और अच्छा देखिए आवश्यक नहीं है बोल रहा है, के लिए आवश्यक नहीं है। यही देखिए जल्दी में ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं, इसमें से कौन सा आवश्यक नहीं है हमें ये बताना है। ऑप्शन हमारे पास है ए कैल्शियम, बी फॉस्फोरस, सी क्लोरीन और डी आयोडीन। तो आप देख रहे हैं भाई हड्डी के मजबूती के लिए टूथपेस्ट वाला देख लीजिए, या दूध पीते हैं हम, कैल्शियम भी जरूरी है, फॉस्फोरस भी जरूरी है और फ्लोरीन भी जरूरी है। क्योंकि आपने देखा कहते हैं हमारे टूथपेस्ट में फ्लोरीन है क्या, तो भी सही है, तीनों जरूरी है, बट आपका जो आयोडीन है ये जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हो जाता है, फिर आपके घेंगा हो जाता है। तो आयोडीन हमारी हड्डी के लिए या दांतों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, केवल यही तीन एलिमेंट है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है को कैल्सिफिरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है। ठीक है, मीन्स जो को कैल्सिफिरॉल है वो किस एलिमेंट का रासायनिक नाम है, सॉरी वो किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन हमारे पास है ए हड्डी कैल्शियम का, ऑप्शन बी विटामिन डी का, ऑप्शन सी विटामिन बी का और ऑप्शन सी ऑप्शन डी विटामिन सी का। तो याद रखिएगा जो को कैल्सिफिरॉल है ये आपका विटामिन डी का, जो आपका विटामिन डी होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, आपका को कैल्सिफिरॉल होता है। और आपको पता होगा विटामिन दो के भी दो पार्ट होते हैं, एक आपका होता है आर्गो कैल्सिफिरॉल और एक क्या होता है को कैल्सिफिरॉल, जिसमें जो को कैल्सिफिरॉल है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है वो ह्यूमन बॉडी में भी आराम से हो जाता है, अगर हम सुबह के धूप पे निकल जाते हैं कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स से ऐसे हॉर्मोन से जो आराम से विटामिन डी का संश्लेषण कर लेते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए तो इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपका कमेंट होते हैं उनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। हम ये पूरी पूरी सीरीज़ कंप्लीट कराएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग। जय हिंद।